जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का सिलेबस अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यह सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। इसमें हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BA फोर्थ सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेज यहाँ पर करवाई जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वाइज आपको करवाया जाएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तथा अगर आप चैप्टर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको PDF प्राप्त होती रहे। तो चलिए देखते हैं BA फोर्थ सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, यूनिट वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारा क्या कोर्स टाइटल है, हमारा कोर्स कोड क्या है। हम देख रहे हैं सेमेस्टर फोर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जिसका कोर्स टाइटल क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक विचार जो है उनके बारे में हमें पढ़ना है। अलग अलग विचार जो है अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग फिलोसफर के द्वारा हमें इसमें पढ़ने हैं, जिसका कोर्स कोड है A060401T। क्या कोर्स कोड है? A060401T। आप कोर्स टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। जो हमारे पाश्चात्य फिलोसफर हैं उनके थॉट्स को राजनीतिक के विषय में क्या उनके विचार हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या सिलेबस है हमारा। यूनिट फर्स्ट हमारा एंशियंट थॉट इन वेस्ट, मतलब पश्चिम में प्राचीन के समय पर जो विचार थे उनके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें क्या है, प्री सोक्रेटिक थॉट अर्थात पूर्व ईश्वरीय विचार। पूर्व ईश्वरीय विचार में हमें किनके किनके विचार पढ़ने हैं, इपिक्यूरियंस के, स्टोइक्स के, प्लेटो के और एरिस्टोटल के। हमारे पूर्व ईश्वरीय विचार में हमें किन किन के पढ़ने हैं, प्राचीन में जो पश्चिम में हमारा जो राजनीतिक विचार था उसमें किन किन लोगों को हमें पढ़ना है, इपिक्यूरियंस, स्टोइक्स, प्लेटो और एरिस्टोटल। अब हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे मेडिवल थॉट इन वेस्ट, अर्थात पश्चिम में मध्यकाल के जो विचार थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। इनमें कौन कौन फिलोसफर के बारे में हमें पढ़ना है, किन किन फिलोसफर के विचारों को हमें पढ़ना है, सिसेरो, थॉमस एक्विनस, अगस्टाइन, रेनासेंस। रेनासेंस का मतलब क्या होता है, रेनासा भी इसे कहते हैं, पुनर्जागरण, द चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी, मतलब चर्च स्टेट का जो कंट्रोवर्सी था मेडिवल के समय में, मध्यकालीन समय में, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। अगला हमारा है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, क्या जो हमारा आधुनिक राजनीतिक विचार है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें कौन कौन से फिलोसफर हैं, मैकियावेली, ऑस्टिन और जेन बोडिन। तीन लोगों के हमें आधुनिक राजनीतिक विचार पढ़ने हैं, मैकियावेली, ऑस्टिन और जेन बोडिन। फोर्थ हमारा क्या है, सोशल कंट्रैक्टरियंस अर्थात जो सामाजिक समझौतावादी जो विचारक हैं उनके बारे में भी, उनके भी विचारों को हमें पढ़ना है कि उन्होंने क्या कहा था समझौतावादी विचार को लेकर। कौन कौन से विचारकों को हमें पढ़ना है, थॉमस हॉब्स, जॉन लोकी और रूसो, जे रूसो के बारे में, मतलब उनके विचारों को हमें पढ़ना है। फिफ्थ हमारा यूनिट है जिसमें इनलाइटमेंट और लिबरलिज्म क्या होता है, उदारवाद के बारे में हमें पढ़ना है। इनलाइटमेंट शिक्षा के क्षेत्र में क्या, कौन कौन से फिलोसफर ने क्या क्या अपने विचार रखे हैं, इमैनुअल कैंट, एडमंड बुर्के, जेरमी बेंथम, J.S. मिल और हैरोल्ड लास्की। इन सभी विचारकों के विचार हमें फिफ्थ यूनिट में पढ़ने हैं। अगला हमारा यूनिट कौन सा है, छठवां में हमें क्या पढ़ना है देखते हैं। छठवें में हमारे विचारक अर्थात फिलोसफर हैं T.H. ग्रीन, G.H. हेगल, कार्ल मार्क्स, T.H. ग्रीन और G.W. हेगल के बारे में हमें, के उनके विचारों के बारे में पढ़ना है। और सातवें में हमें क्या पढ़ना है, मैरी वोल्स स्टोन क्राफ्ट जो है उनके बारे में, उनके विचार को पढ़ना है, सिमोन डी बियोवियर के बारे में, रोजा लग्जमबर्ग के बारे में, मैरी वोल स्टोन क्राफ्ट के बारे में, सिमोन डी बियोवियर और रोजा लग्जमबर्ग, इन सभी के विचारों को हमें पढ़ना है। हमारा आखिरी यूनिट कौन सा है, जिसमें हमें जॉन रॉल्स, माइकल जे ओकेसॉट और हैना एरेंड, नाम थोड़ा आपको टफ लग रहे होंगे, जब इनके विचारों को हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस BA फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी यूनिट, सभी जो विचारक हैं, फिलोसफर हैं, सभी के बारे में चैप्टर वाइज आपको कराया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।